शनिवार को जिले भर की सैकड़ों आशा वर्करों ने जज्जर लघु सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा वर्कर प्रदेश सरकार से गत फरवरी माह के दौरान मांगों को लेकर हुए समझौते को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। आशा वर्कर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो हड़ताल अनिश्चितकालीन में बदल जाएगी। सर्व कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष जयपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार आशा वर्करों को हड़ताल करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दे रही है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी आशा वर्कर को सरकार ने निकाला तो सर्व कर्मचारी संघ आंदोलन तेज करेगा। हमारी हड़ताल को आज दूसरा दिन है। आज हम सीएम के पास सीएमओ के पास जाएंगे अपना प्रदर्शन लेकर, और दूसरा दिन है हमारा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम अपना ये जो हड़ताल दो दिन की चली है इसे अनिश्चित हड़ताल में कर देंगे और हमारी हड़ताल लगातार चलेगी। जो 1 फरवरी का हमारा समझौता था वो अभी लागू नहीं किया उन्हें। अगर वो मान जाएंगे तो हम बड़ी हड़ताल यहीं रोक देंगे, वरना हमारी अनिश्चित हड़ताल चलेगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो हमारा जो 1 तारीख को उन्होंने समझौता किया था तो वो हमारा जारी कर दे। हमारी जो तनख्वाह उन्होंने बनाई थी, हमारा जो देने का वादा किया था, वो हमारा वादा पूरा कर दें तो हम भाई अपनी हड़ताल रोक देंगे, वरना हमारी चलती रहेगी हड़ताल। तो क्या नाम आपका? ललिता।